सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। अगर आपने अनवांटेड किट को लिया है और अगर आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं और आगे आपने क्या करना है, यही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैंप चैलेंज, और बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, ये अनवांटेड किट है, इसमें आपको 5 टैबलेट देखने को मिल रही है। पहली टैबलेट मिफेप्रिस्टोन की होती है 200 मिलीग्राम की, और बाकी की जो 4 टैबलेट हैं ये मिजोप्रोस्टोल टैबलेट होती हैं, और इस किट का यूज़ अबॉर्शन के लिए होता है। ठीक है, अगर आप इस टैबलेट को राइट मेथड से लोगे, राइट डोज सही टाइम पर लोगे, तो आपको ब्लीडिंग 30 मिनट से 4 घंटे के बीच में हो जाती है, जो कि मिजोप्रोस्टोल टैबलेट को लेने पर होती है। यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि इस टैबलेट की जो पहली टैबलेट है मिफेप्रिस्टोन 200 mg की टैबलेट, इस टैबलेट को लेने पर सामान्यतः ना तो ब्लीडिंग होती है, ना ही एब्डोमन क्रैम्प्स होते हैं, या फिर जो साइनो सिम्टम्स अबॉर्शन के टाइम देखने को मिलते हैं वो नहीं होते पहली टैबलेट को लेने पर। ठीक है, अगली जो टैबलेट की डोज है मिजोप्रोस्टोल की, जो 2 टैबलेट इकट्ठी लेनी होती है, इस टैबलेट को अगर आप सही टाइम पर लोगे, सही मेथड से, तो इस टैबलेट को लेने पर 30 मिनट से 4 घंटे के बीच में आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, साथ ही एब्डोमन क्रैम्प्स भी शुरू हो जाते हैं, साथ ही कई लोगों को नोजिया, वोमिटिंग, बैक एक और डिजीनेस और डायरिया भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये इस टैबलेट के लेने के कारण है, ये शो करता है कि जो आपने किट ली है ये अपना काम कर रही है और ये आपका अबॉर्शन कर रही है। लेकिन अगर आपको ये साइनो सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते, यूजली आप 24 घंटे का वेट करें। अगर आपको इस टैबलेट के लेने पर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, ना ही ब्लीडिंग, ना ही एब्डोमन क्रैम्प्स, नोजिया, वोमिटिंग, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने या तो ये टैबलेट सही तरीके से, सही मेथड से नहीं ली है, या फिर इस टैबलेट ने काम नहीं किया है। लेकिन गाइस कई केसेस ऐसे भी हैं जहां पर ये टैबलेट 24 घंटे के बाद भी असर दिखाती है। तो अगर आप अच्छे से डिटेल में मेथड को देखना चाहते हैं, क्या सही तरीका है, कितनी डोज कितने टाइम पर लेनी चाहिए, तो आप आई के बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना, या फिर आप वीडियो के लास्ट में भी उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये टैबलेट काम नहीं कर रही तो आगे क्या करना है और उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो गाइस देखिए, पहला मेजर कारण ये है, अगर प्रेगनेंसी 63 दिन से ज़्यादा की है, वैसे तो 49 डेज आइडियल टाइम पीरियड माना जाता है, अगर आप इससे ज़्यादा टाइम पीरियड पर अनवांटेड किट को लोगे तो आपको इनकम्प्लीट अबॉर्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर गेस्टेशन पीरियड 63 डेज से ज़्यादा का होता है तो ये टैबलेट काम नहीं करती है। वैसे ही इस टैबलेट को अगर आप 30 दिन से पहले लोगे, मान लीजिए कि आपको कंसेप्शन पीरियड जो आपका है वो 25 दिन का है, ठीक है, तो अगर आप इस टैबलेट को 25 दिन पर ले लोगे तो ये टैबलेट काम नहीं करेगी। वैसे ही अगर आप इस टैबलेट को गलत रूट से लोगे, गलत मेथड से, गलत डोज लोगे और गलत दिन पर लोगे, गलत टाइमिंग पर लोगे, तब भी ये गाइस टैबलेट काम नहीं करती है। और अगला कारण है इसकी एक्सपायरी डेट का। ठीक है, कई बारी होता है कि एक्सपायरी डेट लोग देखते नहीं हैं और फिर वो कंफ्यूज रहते हैं कि ये किट ने काम क्यों नहीं किया। और अगला कारण है लोकल ब्रांड का। अगर आपने कोई लोकल ब्रांड यूज़ की है अबॉर्शन के लिए तो वो काम नहीं करेगी। तो गाइज ये कुछ कारण थे जिसके कारण अनवांटेड किट अपना काम नहीं करती है। तो आगे करना क्या है? तो गाइज देखिए, सबसे पहले तो आपको सही मेथड का पता होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब कई बार कई लोग बताएंगे कि इस टैबलेट को 24 घंटे पर लेना होता है, मतलब कि अगर आपने मिफेप्रिस्टोन की टैबलेट आज ली है तो 24 घंटे के बाद मिजोप्रोस्टोल की टैबलेट लेनी है, फिर 24 घंटे बाद अगली 2 टैबलेट लेनी है। तो गाइज ये मेथड गलत है। ठीक है, ये मेथड अपना काम नहीं करता। वीडियो आने वाली है, इस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये मेथड अपना काम नहीं करता। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से डिटेल में वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को ज़रूर देखना।
ठीक है। आगे बात करते हैं कि अगर ये टैबलेट अपना काम नहीं करती तो क्या करना है। तो गाइस देखिए, एटलीस्ट आपको 7 डेज का तो वेट करना ही पड़ेगा, 7 दिन का। अगर आप इससे पहले कुछ करोगे तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, पेशेंट शोक में भी जा सकता है और इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। या तो आपको पहले सोच समझकर इस टैबलेट को लेना चाहिए था, या फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है। प्रेस्क्राइब्ड मेथड से इस टैबलेट को लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर आपको आपकी बॉडी वेट के हिसाब से, आपका जो फिजिकल स्टेटस है, जो आपकी डिजीज हिस्ट्री है, उसके हिसाब से आपको डोज बताएंगे कि कैसे लेनी है कैसे नहीं लेनी। लेकिन वो लोग जो इस टैबलेट को बिना किसी प्रेस्क्राइब मेथड से फार्मेसी से जाकर ले रहे हैं ना, ठीक है, वो यूजली इस टैबलेट को गलत तरीके से लेते हैं, फिर उन्हें अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है। तो अब बात करते हैं सीधा, देखिए मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, तो आपने करना क्या है अगर आपको ब्लीडिंग नहीं होती है। तो गाइस देखिए, अगर आपको ब्लीडिंग नहीं होती तो 7 दिन का आपने वेट करना है, 7 दिन के बाद आपने दोबारा इस किट को लेना है, ठीक है। मिफेप्रिस्टोन की टैबलेट आप सुबह के टाइम लेंगे 9 बजे के अराउंड, दिन के समय आपने लेना है, रात के समय बिल्कुल नहीं लेना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस टैबलेट को रात को ले लेते हैं, ठीक है। रात को लेने पर बाय चांस अगर आप नेगेटिव सोचकर चलें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जो लोग ऐसी जगह पर हैं जहां पर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आप आधी रात को कहां पर जाओगे, ठीक है। तो ये माना जाता है कि आपने इस टैबलेट को दिन के समय ही लेना है, और बहुत सारे रीज़न है दिन के समय लेने के, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि दिन के समय ही लेना चाहिए। तो आपने मिफेप्रिस्टोन की जो टैबलेट है उसे आपने सुबह खाना खाने के बाद 9 बजे के अराउंड लेना है, 8 से 10 बजे का समय आइडियल टाइम माना जाता है, ठीक है। मिफेप्रिस्टोन की टैबलेट को लेने के एग्जैक्ट 48 आवर के बाद में आपने मिजोप्रोस्टोल की टैबलेट को आपने बकली लेना है। सबलिंगुअल लेने पर ऐसा देखा गया है कि जो लेने वाला है उसको नोजिया वोमिटिंग होता है, लेकिन स्टडीज और रिसर्च बताते हैं कि जो लोग मिजोप्रोस्टोल की टैबलेट को 4 टैबलेट आपने इकट्ठी रखनी है अपने बकल में, मतलब कि जो चिक्स और गम्स के बीच की कैविटी है वहाँ पर आपने इस टैबलेट को रखना है, 4 टैबलेट इकट्ठी 30 मिनट तक आपने रखना है, और ये 30 मिनट में अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। जो थूक होगा, जो सलाइवा होगा, आप उसको निगल सकते हैं। अगर 30 मिनट के बाद ये डिसॉल्व नहीं होती तो आप इसको निगल लेना ऐसे ही, ओके। और इस टैबलेट को इस मेथड से लेने पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, देखिए गारंटी तो अभी भी नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको अबॉर्शन हो जाएगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई करती है कि आपका जो गेस्टेशन पीरियड है वो मिनिमम 63 डेज से नीचे होना चाहिए, ओके। एक और मेथड है, अगर आपको लगता है कि आपको नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम है तो एक और मेथड है, मेथड जानने के लिए आप कमेंट में लिखें, मैं आपको कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। तो गाइज आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो गाइज मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।